गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। चलिए, होमवर्क टाइम। होमवर्क हो गया सभी का? हो गया? चेक कर लें पीछे से तीनों का। केशव, आप दोनों का भी हो गया? स्वयं का माइक ऑफ करो और वीडियो ऑन करो। चलिए, तो कल हमने कहां तक कर लिया था? लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था? 11। क्वेश्चन नंबर 12 से भी करना है अपने को। अब यहां से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, मतलब नेचर ऑफ क्वेश्चन चेंज होगा। डिफिकल्टी लेवल तो वो तो पता चलेगा कि बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, लेकिन नेचर ऑफ क्वेश्चन जरूर चेंज हो जाएगा। अभी तक के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट मतलब ए और डी या तो गिवन है या इजिली निकल जाता है, और एक बार ए और डी निकल जाता है तो एपी का कुछ भी निकल जाता है, कोई भी टर्म निकल जाती है, कोई भी टर्म निकल जाती है और किसी भी टर्म का सीक्वेंस भी निकल जाता है। अगर ए एंड डी बोथ आर गिवन तो कोई भी टर्म निकल सकती है, दैट मीन सीक्वेंस गिवन है तो टर्म निकल सकती है, टर्म गिवन है तो सीक्वेंस भी निकल सकता है, दोनों काम हो सकते हैं, राइट? ओके, नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 12 रीड आउट करते हैं। केयरफुली रीड द क्वेश्चन। संयम अपना वीडियो ऑन करिए। टू एपीस, तो अब तक एक एपी में खेल रहे थे हम, अब दो एपीस हैं। एक ही क्वेश्चन में कितनी एपीस हैं? एक ही क्वेश्चन में कितनी एपीज हैं? दो, मतलब एक एपी है, उसके बाद एक और एपी है, दो एपी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ध्यान से पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो एपीज है मेरे पास, जैसे मान लो ये एक एपी है, उस एपी की टर्म्स मुझे पता नहीं है। एक दूसरी एपी है, उस दूसरी एपी की टर्म्स भी मुझे पता नहीं है। फाइन, चले आगे। लेकिन दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब यहाँ पे जो डी की वैल्यू है और यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो सेम है, वो सेम है। यहाँ पे जो डी की वैल्यू है और यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो सेम है। अगर वहां पे कॉमन डिफरेंस 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, वहां पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मेरा सवाल यह है, अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी भी सेम होगी क्या? एपी सेम नहीं होगी, या हो सकती है, या 100% होगी? हो सकती है। देखो, कोई भी एपी कैसे डिफाइन होती है, अपनी फर्स्ट टर्म से और कॉमन डिफरेंस से। सबसे पहले फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, तो उसके बाद कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, भाई स्टार्ट कहाँ से हुई ये पता होना चाहिए, और उसके बाद तो कितने कितने कदम पे जंप करके वो चल रही है वो पता होना चाहिए, तभी तो एपी डिफाइन होगी। एपी मतलब एपी के टर्म्स डिफाइन होंगे। अब कॉमन डिफरेंस तो सेम है, लेकिन दोनों एपी कहाँ से स्टार्ट हुई वो गिवन नहीं है ना। अगर ये एपी सपोज करो 3 से स्टार्ट हो जाए और दिस नीचे वाली एपी भी 3 से स्टार्ट हो जाए, दोनों एपी 3 से स्टार्ट हो जाए, यानी कि दोनों का फर्स्ट टर्म भी सेम हो जाए और कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी सेम था, अब दोनों एपी बराबर होंगी। अब दोनों एपी एग्जैक्टली एक दूसरे की हमशक्ल होंगी, क्योंकि स्टार्ट भी एक ही जगह से हो रही है और फिर जंप भी इक्वल इक्वली कर रही है। लेकिन जब फर्स्ट टर्म नहीं पता है तब मैं नहीं कह सकता कि दोनों एपी बराबर होंगी, क्योंकि केवल कॉमन डिफरेंस बराबर है, फर्स्ट टर्म बराबर नहीं है। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स, उन दोनों एपी की 100th टर्म्स का जो डिफरेंस है, उन दोनों एपी की जो 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, यानी इस एपी में आगे चलते चलते जो एपी वन है, लेट्स से दिस इज एपी वन, इस एपी में कुछ टर्म्स है बताओ, है ना? ऐसे करते 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 कोई 100th टर्म भी होगी इसमें, बोलो। 100th टर्म को हम शॉर्ट में A100 भी बोल सकते हैं, होगी। सिमिलरली एक दूसरी एपी है AP2, ठीक है, इस एपी में भी कोई ना कोई 100th टर्म तो होगी, बोलो।
इस एपी में भी कोई ना कोई 100th टर्म होगी ना, बताओ। तो इसकी 100th टर्म और इसकी 100th टर्म, दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस क्या है? 100। मतलब इसकी 100th टर्म में से इसकी 100th टर्म घटा दें, माइनस कर दें, तो आंसर क्या मिलता है? 100 ही मिलता है। तो सवाल है, तो दोनों की 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा? एक ही बार में जवाब दो। अगर दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो दोनों की 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बस ये सुनना चाहता था, डूब गई नैया। इतना ही आसान होता तो फिर चाहिए क्या? और सबके मायने सबसे पहला आंसर यही निकल के आता है, 100th टर्म का डिफरेंस 100, तो 1000th टर्म का डिफरेंस 1000। पोयम चल रही है क्या कोई, जो सेम राइम में चलेगी? 100th टर्म का डिफरेंस 100, 1000th टर्म का डिफरेंस 1000। नहीं, 1000th टर्म का डिफरेंस 1000 नहीं होगा। आप बोलो, तारिश कुछ कह रहा है? 100 ही होगा। वेरी गुड। अगर एपी की, अगर दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, देखो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इस क्वेश्चन को भूल जाओ। आप बोलो मयंक, कोई भी एपी बोलो जो आपके मन में आ रही हो, स्टार्ट करो किसी भी टर्म से और बोलना शुरू करो, बोलो। हाँ बोलो। वन, अगला टर्म, थ्री, ओके, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, इलेवन, थर्टीन, फिफ्टीन, सेवनटीन एंड सो ऑन। ठीक है, आप कोई भी एपी बोलो, मतलब स्टार्ट कहाँ से करनी है बताओ, स्टार्ट कहाँ से करनी है आपकी एपी को? फोर से। अब आपको कसम है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस वही रखना है जो ऊपर वाली एपी का है। तो ऊपर वाली एपी का कॉमन डिफरेंस देखो क्या है, टू टू का गैप है, बोलो। प्लस टू, प्लस टू, प्लस टू। ऊपर वाली एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? टू टू। तो आप स्टार्ट कहीं और से कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आपको कॉमन डिफरेंस सेम रखना है, सेम रखो। बोलो, अगली टर्म सिक्स, अगली टर्म नाइन, अगली टर्म इलेवन, नहीं, सिक्स फोर के बाद, सिक्स के बाद एट आएगा ना बेटा, तो एट, एट ही बोला था क्या? ओके, एट के बाद अगली टर्म टेन, उससे अगली टर्म ट्वेल्व, उससे अगली टर्म, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। ठीक है, ठीक है। तो हमने दो एपी बना ली, हमने गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से दो एपी बना ली, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम रखा है हमने। अब आप एक चीज एनालाइज करो, मुझे बताओ अदिति, दोनों की पहली टर्म का डिफरेंस क्या है? थ्री, फोर माइनस वन, थ्री। आप बताओ मोनिका, ओ क्या नाम है, कनिका, दोनों की दूसरी टर्म का डिफरेंस क्या है? दोनों की दूसरी टर्म का डिफरेंस क्या है? थ्री। आप बताओ रिया शर्मा, दोनों की तीसरी टर्म का डिफरेंस क्या है? आप बोलो नंदिनी, चौथी टर्म का डिफरेंस क्या है? थ्री। आप बोलो गरिमा, पांचवी टर्म का डिफरेंस क्या है? ट्वेल्व माइनस नाइन, थ्री। आप बोलो ज्योति, पांचवी टर्म का डिफरेंस क्या है? थ्री। बोलते जाओ आगे, बोलो नीलेश, सिक्स टर्म का डिफरेंस क्या है? आगे बोलो, थ्री, पढ़ दो पहले ही, थ्री पढ़ दो एक बार, ओके। हाँ आप बोलो आर्या, लास्ट टर्म जो यहाँ लिखी हुई, इसका डिफरेंस क्या है? थ्री। तो अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सात आठ टर्म्स लिखी, सबका डिफरेंस थ्री है, तो फिर आगे मैं ऐसे करते 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 100th टर्म तक चले जाऊं तो उसका डिफरेंस भी थ्री होगा, और आगे चलते 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 1000th टर्म तक भी चले जाऊं तो उसका डिफरेंस भी थ्री होगा, और 1 लाख टर्म तक भी चले जाऊं तो उसका डिफरेंस भी थ्री ही होगा। यानी कि ऐसी एपी जिनका कॉमन, आप तीनों खड़े, अब बात करिए, आप लास्ट थ्री केशव यहाँ बैठो, आप बोलो आपका नाम क्या था, आप इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, आपको क्या बोलो, अकेले ले बैठो। हाँ देखो, क्या समझे कहानी से, क्या शिक्षा मिली कि अगर हमारे पास दो एपी गिवन है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, टू टू का गैप है, टू टू का गैप है, तो उनकी हर एक सीक्वेंस पे जो टर्म्स है उनका डिफरेंस भी हर जगह सेम होगा, उनका डिफरेंस भी हर जगह सेम है। अब वो डिफरेंस क्या होगा वो मुझे नहीं पता, पर जो भी होगा सेम होगा। अब वो डिफरेंस क्या होगा पता है, दोनों की जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वही डिफरेंस हर जगह मेंटेन होगा। चक्कर होगा, दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या है? थ्री है ना, तो फिर सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का, फोर्थ टर्म का, हर जगह वो थ्री थ्री का डिफरेंस ही मेंटेन होगा। ऐसा क्यों सर?
इसने वन से स्टार्ट किया, इसने फोर से स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में ये इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, थ्री ज्यादा है। अब जब दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं तो हर बार ये इससे थ्री ज्यादा होगा ना, कॉमन सेंस है। जैसे सपोज करो दो लोग रेस लगा रहे हैं, अब जो दूसरा रेसर है वो पिछले रेसर से 3 मीटर आगे से स्टार्ट कर रहा है, ओके। अब दोनों अगर बराबर भाग रहे हैं तो हमेशा वो जो गैप है 3 मीटर का रहेगा कि रहेगा। तो ये फोर से स्टार्ट हुआ है, वो वन से स्टार्ट हुआ है, तो ये आगे से स्टार्ट हुआ है, और दोनों बराबर भाग रही है, दोनों के गैप में भाग रहे हैं, दोनों के गैप में भाग रहा है, तो वो जो इनिशियल डिफरेंस था वो तो हर जगह मेंटेन रहेगा ना। वो बदल सकता है क्या? वो तभी बदल सकता था जब इनकी स्पीड कम ज्यादा होती, ये दो दो का गैप में होती है, ये वन के गैप में होती है, वो थ्री के गैप में होती है, सेवन के गैप में होती है। अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होता तब तो इनके टर्म्स का डिफरेंस भी डिफरेंट हो सकता था, ओके। तो 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 नहीं 100 ही होगा, ओके। अब ये तो हो गया कॉमन सेंस, इसको प्रेजेंट कैसे करें? अगर एमसीक्यू में आ जाए तो सीधे से लिख देंगे हम आंसर क्या रहेगा, 100। अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 1000। 1000 किसने बोला, आवाज आई यहां से कहीं? अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस 100 ही होगा, ओके। और अगर 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 है तो 100 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, अब 1000 होगा, डिफरेंस सेम होगा, इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए, जो डिफरेंस उन्होंने ले लिया ना वही डिफरेंस हर जगह होगा, ओके। चलो अब इसको प्रेजेंट करते हैं अपन, क्योंकि दो एपीज हैं तो हम इनको मान लेते हैं AP1 एंड AP2। लेट द टू एपीज बी AP1 एंड AP2। लेट द टू एपीज बी AP1 एंड AP2। AP1 एंड AP2 सच दैट अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो दोनों के कॉमन डिफरेंस को डी ले लें, स्मॉल लेटर डी, क्योंकि सेम है। अगर सेम नहीं होता तो D1 D2 अलग अलग लेना पड़ता, ओके। बट क्योंकि सेम है तो D1 D2 ना लेके एक कॉमन लेटर डी ले लेते हैं, सच दैट देयर कॉमन डिफरेंस, सच दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपीज, द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपीज इक्वल टू बी, इक्वल टू बी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपीज इज इक्वल टू डी, फाइन। लेकिन कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म सेम नहीं है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या लेनी पड़ेगी अपने को, पहले वाली एपी की A1 और दूसरी वाली एपी की। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं A1 और A2 ऐसे ले लूं तो एक प्रॉब्लम है, एपी की दुनिया में इसको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कहते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरे को तो फर्स्ट टर्म रखनी है, उस एपी की भी फर्स्ट टर्म माननी है और उस एपी की भी फर्स्ट टर्म माननी है, तो उस एपी की फर्स्ट टर्म को तो A1 कह देंगे, लेकिन इस एपी की फर्स्ट टर्म को A2 कैसे कहेंगे, ये तो रिवाज ही नहीं है। फर्स्ट टर्म को A2 कहने का तो रिवाज ही नहीं है ना, उसको तो A2 तो सेकंड टर्म को कहा जाता है, तो फिर क्या करें? तो एक काम करते हैं, दोनों की फर्स्ट टर्म को स्मॉल लेटर ए एंड कैपिटल लेटर ए मान लेते, चलेगा? दोनों की फर्स्ट टर्म को क्या मान लेते हैं, स्मॉल लेटर ए, एक एपी की फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं स्मॉल लेटर ए और दूसरे एपी की फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं कैपिटल लेटर ए, 1 2 का झंझट ही नहीं पालते, ओके। चलो एंड द फर्स्ट टर्म्स एंड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द टू एपीज, एपीज बी बी स्मॉल ए एंड कैपिटल ए रेस्पेक्टिवली, और वहां पर भी इक्वल टू का साइन ना लगाएं बेटा, बी लिखें, वो गलत लिख दिया हमने, क्योंकि हम मान रहे हैं इक्वल टू कब लगाते हैं, जब गिवन हो, तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन क्या है वो उन्होंने थोड़ा ना दिया है, हमने माना है, तो यहाँ पे बी लगाओ, बी बी
ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमने डी मान लिया है और फर्स्ट टर्म को हमने स्मॉल लेटर ए और कैपिटल लेटर ए मान लिया है। अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग होता तो फिर कॉमन डिफरेंस हम स्मॉल लेटर डी और कैपिटल लेटर डी मानते। जैसे नीचे फर्स्ट टर्म में हमने स्मॉल और कैपिटल किया तो कॉमन डिफरेंस में भी अपन स्मॉल और कैपिटल कर सकते थे, स्मॉल लेटर डी कैपिटल लेटर डी। पर क्यों नहीं करने की जरूरत है अलग अलग, क्योंकि सेम है, तो इसलिए हमने दोनों को स्मॉल लेटर डी रख दिया। चलेगा, चले अभी आगे। अब हमको जो गिवन है उस पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। क्या गिवन है हमको? कि दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, ये गिवन है। नाउ इट इज गिवन दैट नाउ इट इज गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ द 100th टर्म्स, द डिफरेंस ऑफ द 100th टर्म्स ऑफ द टू एपीज इज 100। ये इंफॉर्मेशन क्लियर कट गिवन है। अब इसको मैथमेटिकली लिखना है इस इंफॉर्मेशन को। जैसे वर्ड प्रॉब्लम से अपन इक्वेशन बनाते हैं तो डिफरेंस करना है, डिफरेंस करना मतलब माइनस करना। किस किस का माइनस करना है? दोनों की 100th टर्म का माइनस करना है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर पहली एपी की पहली टर्म ए मानी है, स्मॉल लेटर ए मानी है, तो उसकी 100th टर्म स्मॉल लेटर ए 100 होगी होगी। किसी एपी की पहली टर्म ए होती है तो उसकी 100th टर्म ए 100 होती है, बोलो होती है ना। अब दूसरी एपी की पहली टर्म ही आपने कैपिटल लेटर ए मानी है तो उसकी 100th टर्म कैपिटल लेटर ए 100 होगी। समझ में आया? ठीक है ना। किसी भी एपी की टर्म्स फर्स्ट लेटर फर्स्ट टर्म से ही तो डिनोट होती है। फर्स्ट टर्म अगर ए है तो फिर आगे अगली टर्म ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ऐसे चलता है। अब हमारे पास दो एपी है, प्रॉब्लम इसलिए लेटर ज्यादा मानने पड़ रहे हैं। तो पहली एपी की पहली टर्म ए है, स्मॉल लेटर ए है, तो उसकी 100th टर्म ए स्मॉल लेटर ए 100 बोलो। और अगर दूसरी एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल लेटर ए है तो उसकी फिर 100th टर्म कैपिटल लेटर ए के नीचे 100 लगा देंगे। और इसका डिफरेंस करने के लिए माइनस साइन लगा दूं, और ये डिफरेंस कितना गिवन है टेल मी? 100। बुक में ये डिफरेंस कितना गिवन है? 100। अब आप एक्सपेंड करिए, देखें कौन करता है। आर्या बोलो, A 100 को एक्सपेंड करो। हाँ, A+99D करेक्ट है क्या? A 100 को एक्सपेंशन, A+99D। ओके रिधि, अब आप अगले वाले A 100 को एक्सपेंड करो। कैपिटल ए वेरी गुड, +99D कौन सा, स्मॉल या कैपिटल? कैपिटल, कैपिटल डी है ऊपर कहीं। दोनों का कॉमन डिफरेंस तो सेम है। कॉमन डिफरेंस के लिए हमने अलग अलग लेटर नहीं लिया है, कॉमन कॉमन डिफरेंस के लिए हमने सेम लेटर लिया है, स्मॉल लेटर डी। हमने केवल फर्स्ट टर्म के लिए अलग अलग लेटर लिया है, तो इसके लिए स्मॉल ए, उसके लिए कैपिटल ए। लेकिन कॉमन डिफरेंस के लिए हम सेम स्मॉल लेटर डी ही यूज करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होता तो इधर स्मॉल और इधर कैपिटल यूज करते। समझ गए? इक्वल टू व्हाट? 100। यहां तो कोई डाउट नहीं है। ओके सॉल्व करें, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यू कैन सी 99D माइनस 99D तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? स्मॉल ए माइनस कैपिटल, बस यही बचेगा, बस ना, और कुछ नहीं बचेगा। लिख दो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू 100, और इससे ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकता। यहां से ना तो स्मॉल ए की वैल्यू आ सकती है, यहां से ना तो कैपिटल ए की वैल्यू आ सकती है। इससे ज्यादा इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, सो इसको इक्वेशन वन मार्क करके छोड़ दो। एक इक्वेशन बना ली हमने। अच्छा, इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है? इस इक्वेशन का मीनिंग है कि दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 है। ये इसकी फर्स्ट टर्म मानी थी, ये इसकी फर्स्ट टर्म मानी थी ना, तो दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 है। मैंने कहा था ना, हर जगह फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 रहेगा, सेकंड टर्म का डिफरेंस 100 रहेगा। उन्होंने तो 100th टर्म का डिफरेंस 100 बताया था, लेकिन देखो वहां से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आने वाला है, जो हमको निकाल के दिखाना है। ओके यहां तक हो गया। अब हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में? ये तो हमने अभी गिवन पॉइंट नोट किया, अब करना क्या था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? तो उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करें, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिफरेंस
बिटवीन देयर थाउजेंड टर्म्स, बिटवीन देयर थाउजेंड टर्म्स, दैट इज। अब थाउजेंड टर्म के डिफरेंस को क्या कहेंगे आर्यन? क्या दोनों एपी के थाउजेंड टर्म के डिफरेंस को कैसे लिखेंगे? हंड्रेड टर्म के डिफरेंस को कैसे लिखा था? a100 - A100, तो ये तो गिवन था। अब हमको जो फाइंड आउट करना है थाउजेंड टर्म का, उसको लिखेंगे क्या? स्मॉल ए थाउजेंड, पहली एपी का थाउजेंड टर्म क्या कहूंगा मैं, बोलो? स्मॉल ए थाउजेंड माइनस, डिफरेंस करना है तो माइनस, और फिर दूसरी एपी के थाउजेंड टर्म को क्या कहेंगे हम? कैपिटल ए थाउजेंड। ये गिवन नहीं है, ये तो मुझे पता करना है। हंड्रेड टर्म का डिफरेंस तो पता था, लेकिन थाउजेंड टर्म का डिफरेंस मुझे पता करना है। पता करें तो पता करने के लिए इसको एक्सपेंड कर दो। इक्वल टू, बोलो ए थाउजेंड, बताओ ए थाउजेंड को एक्सपेंड कैसे करेंगे? ए प्लस 999 डी माइनस, केशव बताओ कैपिटल ए थाउजेंड को कैसे एक्सपेंड करेंगे? डी कौन सा? स्मॉल डी कभी भी कैपिटल नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया कोई कैपिटल डी। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर इसकी वैल्यू जब हम फाइंड आउट करने निकलेंगे, तो वहां से भी तो 999 - 999 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करने से क्या मिलता है? यानी मुझे तो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए की ही वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू तो मैं निकाल के बैठा हूँ इक्वेशन वन में। क्या निकाली उसकी वैल्यू इक्वेशन वन में? तो इसकी वैल्यू 100 है फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन मैंने ये वैल्यू कर दी कॉपी पेस्ट, और यही मेरा आंसर हो। क्या हुआ, खड़े हो जाओ दोनों, स्टैंड अप, स्टैंड अप, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं, खड़ी हो जाओ। जल्दी से खड़े हो, सर जल्दी, यू आर वेस्टिंग आवर क्लास टाइम, क्वालिटी टाइम। रिधि पीछे चलो, अब भी आ गया, उधर पीछे, पीछे 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 से, तो पीछे की तो टिकट और उल्टा ज्यादा होती है, वहां से तो मस्त दिखता है। ओके और भी कोई एक है जिसको मंद मंद हंसी आ रही है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ये समझ में आ गया मॉरल ऑफ द स्टोरी, शॉर्ट में सॉल्व करना भी आना चाहिए और प्रेजेंटेटिव फॉर्म में भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो शॉर्ट में मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर कॉमन डिफरेंस बराबर हो दो एपी का, तो उनकी हर एक टर्म का डिफरेंस हर जगह कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, वो वही रहता है जो स्टार्टिंग में मेंटेन किया गया है, फर्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस मेंटेन किया गया है वही डिफरेंस हमेशा रहेगा, हर जगह रहेगा। डन, चले आगे। ओके आइए क्वेश्चन नंबर 13। अब 13th एंड 14th बोथ क्वेश्चंस सेम नेचर के हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने से शायद ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन एपी का है, अभी एपी चैप्टर चल रहा है तो आपको लगेगा कि एपी का है, लेकिन फाइनल एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए, सारे चैप्टर्स का कंबाइंड टेस्ट हो, पूरी बुक का टेस्ट हो, और ये क्वेश्चन आ जाए, तो कई बच्चे तो ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इस चैप्टर का है, क्योंकि इसमें कहीं एपी वर्ड भी नहीं लिखा हुआ, कहीं कॉमन डिफरेंस भी नहीं लिखा हुआ, कहीं फर्स्ट टर्म भी नहीं लिखा हुआ, कहीं स्मॉल ए वन स्मॉल ए टू ऐसी चीजें भी नहीं दिखाई दे रही। सिंपल सा क्वेश्चन है कि दुनिया में कितने थ्री डिजिट के नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, दे विल नॉट लीव एनी रिमाइंडर। डिविजिबल बाय, डिविजिबिलिटी बाय 7 का मतलब क्या हो गया कि किसी भी नंबर को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो पूरा पूरा आंसर आ जाना चाहिए, क्वेश्चन पूरा पूरा आ जाना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यानी डेसिमल नहीं बचना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं बचना चाहिए, यही होती है डिविजिबिलिटी बाय 7। ओके अब मुझे ये बताओ थ्री डिजिट नंबर कैसे होते हैं जिसके
जिसके 3 डिजिट हो। ओके ठीक है। अच्छा कहां से लेकर कहां तक होते हैं? 100 से लेकर 999 तक होते हैं। परीक्षित कितने होते हैं ये कुल गिन के बताना। इतना टाइम 800, 899 होंगे। आप बताओ मयंक। मुझे क्या पता, मैंने तो सरल सा सवाल पूछा है, कर माइनस करना है प्लस करना है वो तो आपको सोचना है। 100 से लेकर 999 तक जितने भी नंबर्स हैं गिनती में कितने नंबर्स हैं? मैंने तो काउंटिंग का क्वेश्चन दिया है, अब काउंटिंग करना भी मैं सिखाऊं? खड़े होके कर ले। हाँ भाई नीलेश बताओ। 899 कैसे पता चला? ट्रिपल नाइन में से 100 को माइनस कर दिया ना। अब नीलेश एक जवाब चीज का जवाब देना मुझे, मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, ये गिनती में कितने नंबर हैं? 9 ही है। गिन ले अच्छे से और गिन ले कितने। लेकिन 10 में से एक को घटाने से तो 9 आता है, यानी घटाने से पार नहीं पड़ती, घटाने से गलत आंसर आता है। भाई अगर मैं पूछता 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर होते हैं, तो 10 में से 1 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? 9। जबकि 1 से लेकर 10 तक 10 नंबर होते हैं, 9 नहीं होते, 900 आएगा। ओके अब सिंपल सा लॉजिक सुनो। आप 1 से लेके, देखो इधर स्क्रीन पे, 1 से लेके 1000 कितने नंबर होंगे? 1 से लेके 1000 कितने नंबर होंगे? 1000 होंगे। 1000 में से 4 डिजिट का नंबर 1000 हटा दो एक तो, और 1 से लेके 99 99 नंबर से हटा दो, तो एक नंबर यहां से सब्ट्रैक्ट हुआ, 99 नंबर यहां सब्ट्रैक्ट, एंड टोटल 100 नंबर सब्ट्रैक्ट हो गए, तो 1000 में से 100 नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे तो 3 डिजिट के नंबर कितने बचे? 900। 1 से लेके 1000 के बीच में 1 से लेके 99 घटा दो एक, तो 99 नंबर सीए गए, फिर 100 से लेके 999 3 डिजिट नंबर्स हैं, और उसके बाद फिर आखिरी नंबर 1000 वो भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमको 3 डिजिट के ही नंबर चाहिए, तो कुल मिलाकर 100 नंबर माइनस हो गए, यानी 900 नंबर बचे। ठीक है अब करना क्या है, इन 900 नंबरों में से वो नंबर पिक करने हैं, वो नंबर छांटने हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं, और गिन के बताने कि वो गिनती में कितने हैं। सवाल समझ में आ गया? ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं छांटने बैठेंगे, एपी की मदद लेनी है। ठीक है एपी की मदद लेनी है, शुरू करें। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ओके अब हम करेंगे कैसे इसको, तो पहले एक बार रफली करते हैं, फिर एक बार प्रेजेंटेशन करते हैं। देखो इधर स्क्रीन पे, तो 3 डिजिट नंबर जैसा कि आपने कहा 100 से स्टार्ट होते हैं, अगला 3 डिजिट नंबर बोलो 101, उससे अगला बोलो, उससे अगला, अगला, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, एंड सो ऑन, और ऐसे करते करते लास्ट क्या बनेगा? 999, और एक दो पीछे के भी लिख लो, उससे पिछला 998, उससे पिछला, उससे भी पिछला, और उससे पिछला, और उससे डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे नंबर्स हैं, 900 नंबर्स हैं ये गिनती में। अब इसमें से कौन से नंबर पिक करने बेटा, जो 7 से डिविजिबल हो? करो स्टार्टिंग से करो, मुझे बताओ आर्या, क्या 100 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है? होता है क्या? अब 100 को तो 7 से डिवाइड करके क्विकली चेक कर लो ना कि 100 से डिविजिबल है या नहीं है। डिवाइड करो 100 को 7 से, जल्दी करो, डिविजिबल है या नहीं चेक करके बताओ, रिमाइंडर बचता है कि नहीं बचता है? एक सबको करने दो बेटा, रिद्धि कर लिया, 100 को 7 से डिवाइड करके देखो डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। डेसिमल में आया तो नहीं हुआ ना डिविजिबल? ओके चलो 100 भैया आप तो नहीं हो डिविजिबल। अगला बोलो, 101 डिविजिबल है क्या? चेक कर लिया ऐसे ही, पता है मुझे। हाँ पता है, मतलब 100 को डिवाइड करके देखा तो वहीं से पता चल गया कि 101 भी नहीं होने वाला है। फिर 102 होने वाला है क्या? 103 होने वाला है क्या? 104 होने वाला है क्या? 105 होने वाला है क्या? तो 105 दुनिया का पहला 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, मानते हो? तो पहला नंबर तो मैंने पिक कर लिया है सर, अब अगला चाहिए, तो कैसे करते ही रहेंगे? अब बताओ 106 होगा क्या, 107 होगा क्या? तो अब अगला नंबर कब मिलेगा? जब डिविजिबिलिटी 7 की चल रही है, तो अगला नंबर 7 के गैप में ही मिलेगा।
सेवन की टेबल बोलना जरा, 7 1 7, तो अगला जो नंबर आता है 7 की टेबल में, वो 7 के गैप में ही आता है। 7 2 14, फिर 21, तो 7 14 21 28, जो 7 की टेबल चलती है वो 7 7 के गैप में चलती है, नहीं चलती है। तो अगर पहला नंबर 105 मिला है तो अब अगला नंबर 7 के गैप में मिलना लाजमी है, तो 105 में 7 जोड़ो, उसमें एक और बार 7 जोड़ो, यानी कि ये नंबर्स मुझे मिलने वाले हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं और 3 डिजिट के भी हैं। स्टार्टिंग कर दी मैंने, लेकिन खत्म कहाँ होगा? तो उसका आखिरी नंबर पकड़ो जरा, 999 7 से डिविजिबल है क्या? चेक करो, चेक करो, नहीं है तो उससे पिछला चेक करो, ये है क्या? ये भी नहीं है, कोई चेक भी कर रहा है ऐसे हवा? नहीं है, उससे पिछला चेक करो, ये भी नहीं निकला, ये भी नहीं निकला, उससे पिछला चेक करो, ये भी नहीं है, उससे पिछला ये भी नहीं है, और उससे पिछला ये भी नहीं है, पक्का? और इससे पिछला 994 है, तो यानी कि आखिरी दुनिया का 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो कौन है? तो 994, और उससे पिछला कौन सा होगा सोच के देखो। तो इधर 7 7 जोड़ के गया, तो उधर 7 सब्ट्रैक्ट करो, 7 उड़ाओ, 994 में से 7 माइनस करो, 987 उससे सेकंड लास्ट रहा होगा, और वापस 7 माइनस करो, 980। इस तरीके से ये एपी चल रही है, तो ये लो साहब मैंने एपी बना दी है। आपका काम है इस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, क्योंकि सवाल ये था कि कितने ऐसे नंबर हैं, तो जितने इसमें टर्म्स हैं उतने ही ऐसे नंबर हैं। तो आपको आपका काम क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्वेश्चन हम ऑलरेडी इसी एक्सरसाइज में कल ही कर चुके हैं, या परसों किया होगा। कैसे करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का काम? आखिरी टर्म का सीक्वेंस निकाल लो, वही नंबर ऑफ टर्म्स होता है। बोलो समझ आया? समझ आया? बोलो पंकुड़ी समझ आया? ओके, अब सुनिए, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। सर डिविजिबिलिटी बाय 7 थी, 7 की डिविजिबिलिटी की बात हुई थी, तो 7 तो क्या उंगलियों पे गिन लिए जाते हैं, 7 नंबर कोई बड़े ज्यादा नंबर नहीं होते। तो हमने इसको चेक किया, 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 और ये तो निकल ही गया। तो 7 की डिविजिबिलिटी में मैक्सिमम 7 नंबर ही चेक करने होंगे, एक तो निकलेगा। 7 की डिविजिबिलिटी की बात होगी तो हाँ 7वां नंबर 7 से डिविजिबल होगा, तो आप हो सकता है ये भी निकल जाता। चलो किस्मत खराब थी ये निकला, और किस्मत खराब थी ये भी नहीं निकला, ये भी नहीं निकला, लेकिन 7 में से एक तो निकलेगा, इससे ज्यादा तो किस्मत खराब हो ही नहीं सकती। हमारा तो 5 ही निकल गया, लेकिन 7 से ज्यादा तो नहीं चेक करना है ना। लेकिन अगर सवाल हो डिविजिबिलिटी बाय 137, और 137 की डिविजिबिलिटी में हर 137 नंबर्स के बाद वो नंबर रिपीट होगा, होगा तो हमने यहां से स्टार्ट किया है, ऐसे बच्चे हम चेक करने लगे तो पता नहीं वो पहला नंबर ही कब मिले, ऐसे तो जल्दी मिल गया, क्योंकि 137 की ना तो मुझे टेबल आती है और ना ही उसको काउंटिंग इन इन फिंगर्स में कर सकता हूँ। यानी कि सर आपने जो पहला नंबर और आखिरी नंबर निकालने का जो लॉजिक बताया है ना, वो थोड़ा सा रफ है, इसका कोई ऑथेंटिक लॉजिक चाहिए। बस पहला और आखिरी मिल जाए, बीच के तो पता चल जाएंगे साथ साथ जो होगा। अगर डिविजिबिलिटी बाय 7 है, डिविजिबिलिटी बाय 137 है, तो 137 137 जोड़ दें, और इधर से 137 137 जोड़ा है। यानी कि सर बस कैसे भी करके पहला नंबर और आखिरी नंबर निकालने का कुछ अच्छा सा लॉजिक, तो ये लॉजिक अभी तो चल रहा है क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 7 है, पर अगर डिविजिबिलिटी बाय लार्जर नंबर आ जाए तो ये लॉजिक हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ठीक है? और अभी अपन जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो अपन उस ऑथेंटिक लॉजिक से पहला और आखिरी नंबर निकालेंगे, ऐसे ग्रीन के लिए निकालें निकालें, ठीक है? और आपने ऐसे सवाल किए हुए, अब सवाल मेरे सामने चेंज हो गया, सवाल क्या बन गया कि दुनिया का पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, इसका आंसर कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए, और दुनिया का आखिरी 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है उसका आंसर कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए। बीच की भी तो बना देंगे, समझे? और अगर मैं करके बताऊंगा तो आपको वहां से ये किए थे हमने 7 देखने से सवाल, सोचो जरा तो याद करो, व्हिच इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए हैं, एंड व्हिच इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। शुरू करें, शुरू करें, कैसे करते हैं बोलो? ओके चलिए, अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन, आप लिखते भी जाएं और समझते भी जाएं। हमको 3 डिजिट के नंबर चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट 3 डिजिट नंबर पकड़ रहा हूं। वी नो दैट
वी नो दैट फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर इक्वल टू 100 होता है एंड लास्ट थ्री डिजिट नंबर इक्वल टू 999 होता है। ये तो जानते हैं सर। शैली एंड आर्या क्या बातचीत हो रही? अच्छा बोलो शैली कैसे निकालेंगे फिर? फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर तो 100 निकाल लिया लेकिन फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 कैसे निकालेंगे, सवाल ये। अब ऐसे मत बोलना कि कर करके देख लेंगे, वो तो लॉजिक अभी चल रहा है लेकिन हमेशा नहीं चलेगा ना, तो कोई मेथड तो होगा सर निकालने का, तो मेथड की बात कर रहा हूं मैं। याद आ रहा है किसी को मेथड? नहीं आ रहा। चलो तो फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर लिख लिया 100 एंड लास्ट थ्री डिजिट नंबर लिख लिया 999। अब अपन क्या करेंगे, 100 और 999 दोनों को 7 से डिवाइड करके देखेंगे। क्या कहा मैंने, 100 और 999 दोनों को क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड करके देख। तो पहले 100 को करके देखते हैं। नाउ व्हेन वी डिवाइड 100 बाय 7, व्हेन वी डिवाइड 100 बाय 7 वी गेट मुझे बताओ क्वोशेंट क्या मिला और रिमाइंडर क्या मिला? इतना सा काम तो कर सकते हैं। 100 को 7 से डिवाइड करके क्वोशेंट तो बताओ क्या मिला एंड रिमाइंडर बताओ क्या मिला। 7 1 7 बचा 3, 37 4 28, तो 14 तो क्वोशेंट मिला और रिमाइंडर कितना मिला? 2 रिमाइंडर मिला। इतना काम तो कर सकते हैं, एवरीवन कैन डू दिस। बोलो बोलो भाई। ओके अब लिखने से पहले मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। इतना लिख दिया ना सबने, लिख दिया सबने इतना? देखो इधर प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। ये लो 100 को मैंने 7 से डिवाइड किया एक जगह, आप लिखना मत इसको क्योंकि छोटी मोटी चीजें आपको नहीं प्रेजेंट करनी है। 999 को भी मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 100 को तो हालांकि कर ही दिया हमने। बोलो 7 1 7 रिमाइंडर 3 बन गया 30, 7 4 28 रिमाइंडर बचा 2। ओके 999 को भी करा जरा, 7 1 7 रिमाइंडर बचा 2, अगला नंबर अगला डिजिट 929, 7 4 रिमाइंडर बचा 1 and 9 19, 7 2 जा रिमाइंडर बचा। अब सुनना, ये 100 जो है 7 से डिविजिबल है क्या? कैसे पता चल रहा है? आप कैसे सीरियल पे पहुंचे 100 की 7 से डिविजिबल नहीं? क्योंकि क्योंकि रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। अगर डिविजिबल होना है तो क्या बचना चाहिए? तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। ऐसे मानो 100 चीजों को 7 लोगों में बांटा तो 2 चीजें बट गई, बच गई, ये बट नहीं पाई। तो ये 2 चीजें अगर कम होती तो पूरी पूरी बट जाती। अगर ये 2 चॉकलेट्स कम होती तो वो पूरी 98 चॉकलेट्स ही होती तो बट जाती। तो यानी कि अगर मैं 100 की जगह 98 लिख दूं तो वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है 98 लिखूंगा तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, मुझे क्या चाहिए? तो आप अगर कम नहीं कर सकते तो बढ़ा दो। भाई सपोज फॉर मेरे पास 100 चॉकलेट्स हैं और मुझे 7 लोगों को बांटनी है, तो बांटने के बाद आखिर में 2 चॉकलेट्स बचेंगी? मैंने कहा यार मुझे बचानी नहीं है, कैसे करके पूरी बांटनी है, तो मैं क्या करूंगा, या तो 2 चॉकलेट्स लाऊंगा ही बाजार से कम, पर बाजार से कम लाना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि 98 टू डिजिट नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, फिर ज्यादा ले आ, तो या तो 2 कम लाओ या फिर कितनी ज्यादा लाओ, 8 ज्यादा लाओ, या तो 2 कम लाओ या फिर एक काम करो इस 2 को पूरा 7 बनाओ। तो इस 2 को पूरा 7 बनाने के लिए कितनी और चाहिए? 5 और 8 करो 105। और जो डिविजर हो इसका डिफरेंस देखो, गैप देखो, उस गैप को डिविडेंड में ऐड कर दो, ऐसे करके अपने को फर्स्ट नंबर मिलेगा। बट ये लॉजिक उधर काम नहीं करेगा, उधर डिफरेंट लॉजिक होगा। क्यों? क्योंकि अगर उधर मैं ऐसे जोड़ दूंगा आगे, जैसे मैंने 5 जोड़ दिए
तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर उधर 5 जोड़ दूंगा तो 14 नंबर बन जाता है, तो इधर कम करना पड़ेगा। तो इधर क्या कम करो जो रिमाइंडर बचा है कम कर दो। तो अगर ये 5 ना होते तो पूरा पूरा रिमाइंडर करना ना, तो लास्ट नंबर निकालने का सिंपल सा लॉजिक है, जो भी रिमाइंडर है उसमें से हटा दो। लास्ट नंबर निकालने का सीधा सीधा लॉजिक क्या है, जो रिमाइंडर बचता है वो 9। ये समझ में आ गया ना सबको अच्छे से? बोलो रिद्धि, फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे डिवाइड करके, ऐसे बताओ रफली। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे और किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे? समीक्षा बताओ फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? फिर अभी क्या बस कॉपी पेस्ट करने का काम किया? अदिति बताओ फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? फर्स्ट बोलो रिया। क्या कैसे निकाली तो बेटा कैसे, ये तो इस क्वेश्चन में तो निकाली, आगे कैसे निकालेंगे? बेटा A1 तो तब बनेगा ना जब AP बन गई, AP बनने से पहले फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला बताया ना अभी मैंने, फर्स्ट टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला बना बोलो? जो डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस है उसको डिविडेंड में ऐड करना है, तो क्या फॉर्मूला बना फर्स्ट टर्म निकालने का? डिविडेंड प्लस डिवीजर माइनस रिमाइंडर। डिविडेंड था मेरा 100, 100 से डिवाइड किया था मैंने, और किससे डिवाइड किया था? 7 से, और रिमाइंडर क्या बचा था? 2। 7 माइनस 2 5, उस 5 को मैं 100 में जोड़ दूंगा, तो इस तरीके से फर्स्ट टर्म निकलेगी। अब बताओ लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? डिविडेंड में से एग्जैक्टली रिमाइंडर को माइनस कर दो, और डिविडेंड क्या है अब की बार? 999। एक बार डिविडेंड लेना है 100, एक बार डिविडेंड लेना है 99। डिविडेंड समझते हो ना, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो एक बार तो डिविडेंड लेना है पहली नंबर, पहला 3 डिजिट नंबर, एक बार डिविडेंड लेना है आखिरी 3 डिजिट नंबर। अब पहले के साथ क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, आखिरी के साथ क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। इस तरीके से फर्स्ट और लास्ट नंबर मिल जाएगा डिविजिबल बाय 7, और एक बार फर्स्ट और लास्ट नंबर मिल गया तो फिर बीच के नंबर तो साथ साथ जोड़ के और पीछे से साथ साथ घटा के पता लगाए जा सकते हैं। एक बार एपी तैयार हो गई तो एपी तैयार होने के बाद हमारा टास्क है बस उसके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म 105 है, डिविजिबिलिटी 7 की चल रही है तो कॉमन डिफरेंस 7 ही रहेगा, लास्ट टर्म 994 है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमेशा जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का सवाल हो तो आखिरी टर्म को ए एन मान लिया जाता है। ए एन का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया हमने, बोलो ए की वैल्यू क्या रखेंगे? 105 प्लस एन तो निकालना है, इनटू डी की वैल्यू क्या है? इक्वल टू पहले किसको भेजेंगे वहां पे? क्या स्ट्रेटेजी है जब एन की वैल्यू चाहिए होती है? फर्स्ट टर्म को भेजेंगे पहले, तो यहां से एन माइनस वन इंटू सेवन यही रह गया, 105 को उधर भेजो तो -105 करना जरा, -889। ओके अब किसको भेजेंगे? 7 को, तो इधर कौन बचा? तो 889 से 7 क्या हो जाएगा? डिवाइड करो, डिवाइड 7 7 14, 127। अब किसको भेजेंगे? एन, तो 127 -1 उधर जाके बन जाता है +1, दैट मीन्स तो दुनिया में 128 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 डिजिट के भी हैं और 7 से डिविजिबल भी हैं। यानी ये टोटल नंबर्स टर्म्स कितनी है एपी में? 128। दैट मीन्स 128 ही दुनिया में नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल है। ओके समझ आया? हेंस वी कंक्लूड दैट, अब कंक्लूजन बिल्कुल उसी की लैंग्वेज में होना चाहिए। उसने कैसे सवाल पूछा था? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स? तो आप भी जवाब कैसे देंगे? देयर आर, हाउ मेनी का आंसर कैसे देते हैं? देयर आर हाउ मेनी नंबर्स? 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। ओके ठीक है, और ये डिवाइड करने का काम ये आपको शो नहीं करना है, आप चाहो तो रफली करके देख सकते हो। पहले नंबर को डिवाइड करो, फिर से सुनो, पहले नंबर को डिवाइड करो, आखिरी नंबर को डिवाइड करो, डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आया उसको चेक कर लो। अगर रिमाइंडर दोनों में 0 आ जाता है तब तो बल्ले बल्ले, अगर मान लो रिमाइंडर 0 आ जाता तो पहला नंबर वाकई में ये होता और आखिरी नंबर भी होता, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया, नहीं आया तो क्या करेंगे?
आखिरी नंबर के लिए तो इसमें से इसको घटा देंगे, पहले नंबर के लिए कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, इन दोनों का जो गैप है उस गैप को उसमें ऐड कर देंगे। या ऐसे याद नहीं होता तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, फर्स्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला, डिविडेंड माइनस, नहीं डिविडेंड प्लस डिविजर माइनस रिमाइंडर, और आखिरी नंबर निकालने का फॉर्मूला डिविडेंड। अच्छा एक जल्दी से करके बताओ, कल पहला और आखिरी नंबर निकाल के बताना। मुझे चाहिए 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, पहला और आखिरी निकाल के बताओ, बीच के मत निकालना है ना, केवल पहला और आखिरी। डिविजिबल बाय 9, नहीं 9 तो इजी हो जाएगा, सुनो 11, क्योंकि 9 9 9 9 तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा ना, वही मिल जाता आखिरी में, तो वही मिल जाता। डिविजिबल बाय 11, 4 डिजिट का नंबर चाहिए, पहला और आखिरी, बस पहला और आखिरी बता दो। रफली करके बताता हूँ, तो आखिरी मैं निकालू, निकाल बैठ के। आपके जो बोर्ड में मार्क्स आएंगे आधे आधे बांटोगे क्या? नहीं, आधा काम आप कर रहे हो, आधा काम आप कर रहे हो, इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई पार्टनरशिप है क्या? निकल गया फर्स्ट एंड लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 11, 4 डिजिट का होना चाहिए। अच्छा पंखुड़ी आया, आंसर नहीं आ रहा। ओके आदिति, ओके आदिति मुझे बताओ करते क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं? चलो इधर देखो, सब लोग स्क्रीन पे देखो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, 4 डिजिट नंबर की बात हो रही है तो डिविजिबल बाय 11 को तो एक बार गोली, अरे करो डिवाइड, तो 11 9 जा 99 होता है, होता है रिमाइंडर क्या बचा, 10, दैट्स इट, कुछ भी नंबर 10 11 से डिविजिबल।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड